हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा हाई स्पीड एयरक्राफ्ट कैरियर में यूज़ होता है और इसमें हमारे दो कंप्रेसर्स लगे होते हैं, एक मेन कंप्रेसर, एक सेकेंडरी कंप्रेसर, और दो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर और सेकेंड हीट एक्सचेंजर। अगर आप इसे हमारे सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करें तो उसमें देखिए हमारा क्या था, सिर्फ एक कंप्रेसर लगा था, मेन कंप्रेसर, और एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ था, और कूलिंग टर्बाइन के साथ हमारा क्या कनेक्ट था, कूलिंग फैन। अब अगर आप हमारा बूटस्ट्रैप सिस्टम देखें तो इसमें जो कूलिंग हमारा कूलिंग टर्बाइन है वो सेकेंडरी कंप्रेसर को पावर देने के काम में आता है, और इसमें हमारे दो हीट एक्सचेंजर लगे हुए हैं। इसमें आपको फ़ैन जो है वो नहीं मिलेंगे, फ़ैन इसमें अवेलेबल इसलिए नहीं होते, इसमें फ़ैन यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो हाई स्पीड होती है उसकी वजह से जो हमारी रैम है उसकी सफिशेंट सप्लाई होती रहती है, यहाँ पे उसका सफिशेंट फ्लो होता रहता है यहाँ पे, और हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंज होती रहती है। तो अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे। स्टार्टिंग तो हमारी बिल्कुल सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही है, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह, कि जब एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड मूव करेगा तो एम्बियंट एयर जो है वो एंट्री करेगी एयरक्राफ्ट में, जिसकी वजह से इसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रैमिंग प्रोसेस। और सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हम अगर एम्बियंट एयर का माने तो सेकंड पॉइंट पे जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें रैम्ड एयर मिलेगी। फिर वो रैम्ड एयर यहाँ से कहाँ जाएगी, आपकी मेन कंप्रेसर में। कंप्रेसर को इनिशियली हम प्राइम मूवर से कनेक्ट करेंगे, कंप्रेसर विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर रोटेट करेगा और इस एयर को कंप्रेस करेगा, जहाँ से इसका प्रेशर और टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। और कंप्रेसर के एग्जिट पे हम मान लेते हैं कौन सा हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। फिर ये हाई प्रेशर टेम्परेचर की एयर कंबशन चैम्बर में जाएगी, कंबशन चैम्बर में हम विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इसका कंबशन कराएंगे, और यहाँ से जो गैसेज होगी उनको हम गैस टर्बाइन की तरफ लेके जाएंगे, जिससे गैस टर्बाइन हमारा रोटेट करेगा और गैस टर्बाइन के हेल्प से हम अपना कंप्रेसर को रन कराएंगे, और इस टाइम पे फिर हम प्राइम मूवर जो हमारा है वो हम इसको इससे रीअटैच कर देंगे। इस साइकिल में यहाँ पर से जो हमारी एयर कंप्रेस्ड एयर आ रही है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की, उसको हम ब्लड करा लेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ एयर हम कंबशन चैम्बर में भेज देंगे जिससे हमारा गैस टर्बाइन रोटेट कर सके और उससे हम मेन कंप्रेसर को पावर दे सकें, और बाकी जो अमाउंट ऑफ एयर हमारा ब्लड हम यहाँ से कराई है वो हम कहाँ भेजेंगे, अपने फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में, पहले हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर में क्योंकि हमारी रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है या फिर बेल कॉलमन साइकिल पे वर्क करता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन करते हैं। तो हीट एक्सचेंजर में प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और एयर जो है यहाँ पर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को रिजेक्ट करेगी, और किससे हीट रिजेक्ट करेगी, किससे हीट एक्सचेंज करेगी, जो रैम्ड एयर आ रही है आपकी यहाँ पे उससे हम हीट का रिजेक्शन कराएंगे। रैम्ड एयर यहाँ से आके कहाँ पर से, यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। फिर ये एयर आपकी अगेन हीट एक्सचेंजर पे हम मान लेते हैं कि जो हमारा एग्जिट पॉइंट है पॉइंट क्या है, पॉइंट फोर पे, हीट एक्सचेंजर से ये आपकी हाई प्रेशर और कंपैरेटिवली टेम्परेचर यहाँ पे लो हो जाएगा इसका थ्री पॉइंट से, फिर ये कहाँ जाएगी, आपकी सेकेंडरी कंप्रेसर में। सेकेंडरी कंप्रेसर इसे फिर से कंप्रेस करेगा और इसका प्रेशर और इंक्रीज कर देगा, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेकेंडरी कंप्रेसर का एग्जिट हम पॉइंट मान लेते हैं फिफ्थ पॉइंट, फिर फिफ्थ पॉइंट के बाद फिर आपका जो सेकंड हीट एक्सचेंजर लगाया है, सेकंड हीट एक्सचेंजर में आपकी एयर एंटर करेगी और वहाँ से एग्जिट करेगी हीट एक्सचेंज करते हुए, यहाँ पे भी किससे हीट एक्सचेंज होगी, जो रैम्ड एयर की सप्लाई है यहाँ पर उससे हीट एक्सचेंज करेगी। ये देखिए सेकंड हीट एक्सचेंजर, और सेकंड हीट एक्सचेंजर का एग्जिट पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, सिक्स पॉइंट हमारा। फिर इसके बाद जो हमारी सिक्स पॉइंट से एयर जो आ रही है निकल के वो कहाँ पर आ जाएगी, ये कूलिंग टर्बाइन में, कूलिंग टर्बाइन में इस एयर का हम क्या कराएंगे, एक्सपेंशन कराएंगे, और एक्सपेंशन होने के बाद जब एक्सपेंशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, और प्रेशर ड्रॉप होने के साथ साथ टेम्परेचर भी यहाँ पे इसका ड्रॉप हो जाएगा। तो जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप हो जाएंगे तो इस लो टेम्परेचर वाली एयर को हम लोग कहाँ सप्लाई कर देंगे, इस लो टेम्परेचर वाली एयर को हम लोग केबिन में सप्लाई कर देंगे, जहाँ पर हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कराना है, तो वहाँ पर जाके एयर क्या करेगी, कूलिंग करेगी। तो ये हमारी इसकी वर्किंग हो गई। अब हम इसके प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है जब 1 to 2 एयर हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, आइसेंट्रॉपिक रैमिंग प्रोसेस, यानी कि एंट्रॉपी को हम कांस्टेंट रखेंगे और क्या करेंगे, हमारा
रैमिंग प्रोसेस, मीन्स प्रेशर का, एयर का जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर है वो फ्रिक्शन की वजह से बढ़ेगा। फिर देखिए 2 से 3, कंप्रेसर के इनलेट पे 2, कंप्रेसर के आउटलेट पे 2। कंप्रेसर पे हमारा क्या होगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हुए हम इसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं। फिर देखिए 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट के बाद ये हीट एक्सचेंजर में एंट्री करी और यहाँ से एग्जिट 4th। तो 3 से 4 में क्या हुआ, हमारा हीट एक्सट्रैक्शन, हीट रिजेक्शन हुआ, सॉरी हमने हीट रिजेक्ट करी है। और कैसे हीट रिजेक्ट करी है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये देखिए आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, आइसोबारिक मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। उसके बाद 4th पॉइंट से देखिए 4th से 5th प्रोसेस क्या लगा हुआ है, सेकेंडरी कंप्रेसर। सेकेंडरी कंप्रेसर में फिर से हम इसे कैसे करेंगे, कंप्रेस करेंगे और आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेंगे एंट्रोपी को कांस्टेंट रखते हुए। तो ये 4th से 5th प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर 5th से 6th, 5th देखिए 5th क्या है आपका, सेकेंड हीट एक्सचेंजर का एंट्री पॉइंट, और 6th क्या है, सेकेंड हीट एक्सचेंजर का एग्जिट पॉइंट। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होगा। तो ये देखिए आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। फिर 6th पॉइंट क्या है, हीट एक्सचेंजर का, सेकेंड हीट एक्सचेंजर का एग्जिट बोलें या फिर कूलिंग टर्बाइन का इनलेट। तो 6 से 7 क्या हो रहा है, टर्बाइन में एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये कौन सा एक्सपेंशन कहलाएगा आपका, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। उसके बाद ये जो टर्बाइन ने एयर को एक्सपेंड करा, ये कहाँ तक एक्सपेंड करेगा, केबिन के प्रेशर तक, और केबिन में आपकी सप्लाई कर देगा। केबिन में क्या करेगी, हीट जो है कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट को एक्सट्रैक्ट कर देगी। तो ये तो आपकी पूरी इसकी वर्किंग हो गई और ये इसके कुछ प्रोसेस हो गए। अब हम अपने इस प्रोसेस को कहे पे TS डायग्राम पे प्लॉट करना देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको TS डायग्राम पे प्लॉट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको TS डायग्राम पे इसे प्लॉट करना बताएंगे। सपोज़ करिए कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या बना रखा है, एक्स एक्सिस पे आपने ले रखा है हमारा एंट्रोपी। एंट्रोपी और वाई एक्सिस पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमने ले रखा अपना टेम्परेचर। तो अब अगर आप सबसे फर्स्ट प्रोसेस देखें तो पहला पॉइंट क्या थी हमारी, पहला पॉइंट जो था वो क्या था हमारा, एम्बिएंट एयर का था। तो हम मान लेते हैं ये देखिए TS डायग्राम पे ये टेम्परेचर हो गया और ये आपकी एंट्रोपी हो गई। पहली बात तो TS डायग्राम में क्या होता है, जो प्रेशर की लाइंस होती हैं वो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस जाती हैं। अगर कांस्टेंट प्रेशर लाइंस तो कौन कौन सा प्रेशर, सबसे पहले देखिए हमारी एयर कहाँ पर है, हमारी एयर जो है वो एम्बिएंट एयर पे। तो सपोज कर लिए यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना है T1 और प्रेशर कितना है P1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रेशर का कर्व बना लिया, ये क्या हो गया हमारा PA, एम्बिएंट प्रेशर। इसके बाद ये कंप्रेस होकर क्या बन रहा है, रैम डेयर, यानी कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो हम रैम डेयर का बना लेते हैं अपना ये रैम डेयर के हमने 2 प्रेशर लाइंस बनाई हैं, एक है हमारी रैम डेयर और एक है दूसरी हमारा है एक्चुअल रैमिंग। अभी मैं आपको ये समझाऊंगा ये क्या है आपका एक्चुअल रैमिंग वाला प्रेशर। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये माना मैंने, यहाँ पर से क्या हुआ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इस पॉइंट की एंट्रोपी सपोज करिए है S1, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जब होगा तो एंट्रोपी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये लाइन सीधी गई, एंट्रोपी कांस्टेंट रही और प्रेशर इंक्रीज होकर कहाँ से पहुँच गया हमारा, एम्बियंट प्रेशर से रैम प्रेशर तक। ये सेकेंड पॉइंट, ये देखिए सीधी लाइन से। मगर एक्चुअल में क्या होता है, कुछ इनफिशेंसीज की वजह से, इरिवर्सिबिलिटीज़ की वजह से ये प्रोसेस हमारा आइसेंट्रोपिक ना होकर क्या होता है, एक्चुअल रैमिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा प्रेशर ड्रॉप होता है। ये देखो इस तरीके से। तो सेकंड पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, 2' का। तो अब देखिए प्रेशर जो है जितना हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए था रैमिंग की वजह से, उतना इंक्रीज़ ना होकर कुछ कम इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि ये कुछ हमारा प्रेशर का यहाँ पर लॉस हुआ है। बट टेम्परेचर जो है वो दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर देखें तो टेम्परेचर क्या है दोनों का, सेम रहेगा, T2 = T2'। इसके बाद फिर क्या है हमारा, फिर मेन कंप्रेसर लगा हुआ है। मेन कंप्रेसर क्या करेगा, इसे और कंप्रेस करेगा।
तो मेन कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, मेन कंप्रेसर का प्रेशर हम मान लेते हैं सपोज करिए कितना, ये मेन कंप्रेसर की लाइन है, ये क्या है प्रेशर जो इसे कंप्रेस करके लेके जाएगा। और कौन सा कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, 2 से 3 देखिए, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मतलब एंट्रोपी कॉन्स्टेंट, ये देखिए स्ट्रेट लाइन 2-3 पॉइंट तक आइसेंट्रोप। अब यहाँ पर एंट्रोपी क्या रही, कॉन्स्टेंट रही, मगर प्रेशर इंक्रीज हुआ। एक्चुअल रैमिंग से हम लोग कहाँ पहुँच गए, जो हमारा मेन कंप्रेसर है उसके प्रेशर एग्जिट तक, और टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज हो गया। अब इसमें भी ये तो देखिए आइसेंट्रोपिकली मैंने करा, मगर इस पर भी प्रेशर आपका क्या रहेगा, इनएफिशिएंसीज की वजह से एक्चुअल कंप्रेशन होगा, आइसेंट्रोपिक ना होकर एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस हुआ। फिर देखिए उसके बाद कहाँ हमारी एयर गई थी, उसके बाद हमारी एयर देखी गई थी हीट एक्सचेंजर में, और हीट एक्सचेंजर में 3 से 4 क्या हुआ था, कूलिंग हुई थी, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, इट मीन्स प्रेशर कॉन्स्टेंट रखते हुए कूलिंग। तो अब क्या रहेगा, प्रेशर लाइन यही रहेगी, जो कंप्रेसर का प्रेशर था उसी प्रेशर पे क्या होगी, कूलिंग होगी। हम मान लेते हैं कि हीट रिजेक्शन हुआ और टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो गया और एंट्रोपी भी कम हो जाएगी, तो ये आपका 4th पॉइंट मिल गया। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। उसके बाद फिर 4th से 5th कौन सा प्रोसेस है, सेकेंडरी कंप्रेसर। सेकेंडरी कंप्रेसर में 4th से 5th कौन सा प्रोसेस है आपका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब फिर से कंप्रेशन होगा, अब जो कंप्रेशन होगा तो अभी आपका कहाँ कौन से प्रेशर पे लेके जाएगा, सेकेंडरी कंप्रेसर ने जो कंप्रेस किया है ये। तो मान लेते हैं कि ये आपका सेकेंडरी कंप्रेसर जो लगा हुआ है पी सेकेंड कंप्रेसर, उसका प्रेशर है। तो यहाँ पर भी कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया गया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 4-5, इट मींस एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट। एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, स्ट्रेट लाइन 4 से 5। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया। अगर हम देखें कि कुछ कंप्रेसर का हमारा 100% एफिशिएंट नहीं है इनएफिशिएंसी या फ्रिक्शन की वजह से, तो हमारा एक्चुअल कंप्रेशन होगा 5-। फिर उसके बाद कौन सा प्रोसेस है, 5-6 प्रोसेस नंबर 5-6 सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर में कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कूलिंग, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अब आइसोबारिक कंप्रेशन जो है हीट रिजेक्शन होगा, तो प्रेशर कौन सा रहेगा, प्रेशर लाइन हमारी सेकेंडरी कंप्रेसर की रहेगी, ये वाली लाइन देखिए कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन से स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये सारी लाइन्स क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन्स है। और यहाँ पर क्या होगा, इसकी अब कूलिंग होगी। हम सपोज करते हैं कूलिंग करके हम कहाँ पर ले आए इसको, हीट रिजेक्शन करके ये 6 पॉइंट पे आ गया। अब उसके बाद फिर कहाँ गई, देखिए फिर आपका ये गया है कूलिंग टर्बाइन में, 6-7 प्रोसेस कौन सा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कूलिंग टर्बाइन में हुआ। अब कूलिंग टर्बाइन इसे एक्सपेंड कहाँ तक करके लेके जाएगा, केबिन प्रेशर तक। कूलिंग टर्बाइन इसे कहाँ एक्सपेंड करके लेके जाएगा, केबिन प्रेशर तक। केबिन प्रेशर हम मान लेते हैं कि लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, ये रैमिंग प्रोसेस, रैमिंग प्रेशर और एम्बियंट एयर प्रेशर के बीच में, यहाँ कहीं पर आपका ये केबिन प्रेशर की लाइन है। सपोज करिए ये हो गई आपकी पीसी। तो अब यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, इट मींस एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन मिली हमारी 6-7। एंट्रोपी देखिए कांस्टेंट है इन दोनों पॉइंट की, और एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है आपका ही। फिर उसके बाद अब यहाँ पर से हमने इसको केबिन में सप्लाई कर दिया, केबिन प्रेशर पे, और वहाँ जाके ये क्या करेगी, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगी अपने अंदर, हीट एक्सट्रैक्ट करेगी। और क्या हो जाएगा, जब हीट एक्सट्रैक्ट करेगी, हीट गेन करेगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, मगर प्रेशर क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट केबिन प्रेशर पे। तो मान लेते हैं इंक्रीज होकर कितना हो गया, 7-8। तो ये आपका पूरा TS डायग्राम हो गया। और एक बार चलिए हम सारे प्रोसेस मिला लें, प्रोसेस 1-2, प्रोसेस नंबर 1-2 आइसेंट्रोपिक रैमिंग, तो प्रोसेस 1-2 आइसेंट्रोपिक रैमिंग, ये हमारी एक्चुअल रैमिंग। 2-3 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2-3 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये हमारा एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस। 3-4 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, 3-4 कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस। हीट जब रिजेक्ट करेंगे तो एंट्रोपी ऑब्वियसली कम होगी और टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। 4-5 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 4-5 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये एक्चुअल कंप्रेशन 5-। फिर 5-6 आइसोबारिक हीट रिजेक्शन, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हीट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करेंगे, जब हीट रिजेक्ट करेंगे तो प्रेशर एंट्रोपी कम होगी और
टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा। 6 to 7 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंट्रोपिक रिमेन्स कॉन्स्टेंट और एयर क्या करेगी, एक्सपेंड होगी। जब एयर एक्सपेंड होगी तो प्रेशर ड्रॉप, साथ में टेम्परेचर ड्रॉप और एंट्रोपी कॉन्स्टेंट। फिर 7 to 8 हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सट्रैक्शन, तो 7 to 8 कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये आपके TS डायग्राम पे एंट्रोपी को, सॉरी TS डायग्राम पे हमने पूरा बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्लॉट कर लिया है डायग्राम। ये आपका बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्रोसेस समझ में आया हो TS डायग्राम का प्लॉट करना या और इसकी वर्किंग, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट आप करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।